Hello students, it's your English class and your topic is sentence. What is sentence? Sentence is a group of words that makes complete sense. जो group of words होते हैं वो मिलकर complete sense बनाते हैं तो उसे हम sentence बोलते हैं. जैसे Rohan gets up in the morning. ये सभी words मिलकर sentence बनाते हैं. अगर हम सिर्फ यही बोले रोहन गेट्स अप तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता, तो हमारा सेंटेंस बनता नहीं है. इसीलिए हमें पूरा सेंटेंस बनाने के लिए एक सेंस चाहिए. रोहन गेट्स अप इन द मॉर्निंग. अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. स्टूडेंट्स, आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा. जैसे रोहन आर. All are very excited. A. Who cuts the cake? W is our capital letter. When a sentence tells us something about somebody or something, we call it a statement. जब हमें कोई भी सेंटेंस कोई भी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में कोई बात बताता है तो वो एक स्टेटमेंट होती है. बच्चे, ये लाइन ये बता रही है आपको कि जब हम कोई भी सेंटेंस सिंपली बात करते हैं, सिंपल वे में बोलते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट सेंटेंस होता है. रोहन ओपन्स ऑल द गिफ्ट्स, तो हमें सिंपल बात पता चल रही है तो ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस हुआ. अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. अब आपको ये बताया जा रहा है बच्चे कि आपका सेंटेंस या तो एंड होगा फुल स्टॉप पर या फिर क्वेश्चन मार्क पर. कैसे? A sentence ends with a full stop. बच्चे, आपका जो sentence है वो end होगा full stop पर या फिर question mark पर. A sentence that asks about something or somebody is a question sentence. देखो, who cuts the cake? अब इस sentence में आपसे कोई question पूछ रहा है ना कि who cuts the cake? तो जब हमारे से कोई भी sentence में क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है और उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. हु कट्स द केक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा. समझ में आ गया बच्चों? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मिलकर कंप्लीट सेंस बनाता है. अभी हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं है. इन द मॉर्निंग, क्या आपको समझ में आ रहा है ये कुछ? क्या ये कंप्लीट सेंस है? नहीं. इन द मॉर्निंग कोई भी सेंस नहीं बना रहा. रोहन गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यस. अब हमें समझ में आ रहा है कि रोहन गेट्स अप इन द मॉर्निंग, रोहन जल्दी उठता है मॉर्निंग में. नेक्स्ट, रोहन हैज अ व्हाट. इसमें तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि रोहन हैज अ, ये मीनिंग नहीं बना रहा लाइन, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है. ऑल आर, नो सेंटेंस. डैड गिव्स हिम अ बैट, डैड उसे एक बैट गिव्स देते हैं, तो ये भी हमारा सेंटेंस है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बना रहा है. हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंड विद अ फुल स्टॉप. अभी यहां पर हमें दो सेंटेंस और देखने हैं. बेटा, इस सेंटेंस को देखो, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? फेस्टिवल इज अ इट डे, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा. फेस्टिवल इज अ इट डे, तो बेटा हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इट इज अ फेस्टिवल, इट इज अ फेस्टिवल डे, यस. Now our sentence is complete. Yes, बेटा, ये आपका second example है. Gives mom a cake, Rohan too. इसको read करके देखो, क्या ये sentence बन रहा है? Gives Mohan a cake, Rohan too. No, ये हमारा sentence नहीं बन रहा. तो हम इसको arrange कैसे करेंगे? Mom
gives a cake to Rohan. Read karo beta. Mom gives a cake to Rohan. ये हमारा सेंटेंस बन गया. अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस है. आज आपका सेंटेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा. यहीं आपकी वीडियो एंड होती है. ओके बाय.